ਤੇ ਛੱਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਫੈਂਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਸ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल असीब रशीद, तुसी वेखदे पे हो यूट्यूब चैनल पंजाबी मुंडा अब्दुल असीब। तो जल्दी तो चैनल में सबसक्राइब और वीडियो में लाइक कर दो। तो शुरू कर दें जी अज की मज़ेदार वीडियो। तो हुनी कार असी बच्चे हाँ और वड्डा कोई भी नहीं है, अम्मी अबू जान दोनों कोई नहीं ने, मामू की तरफ गए हुए हैं, तो नाल छोटी साड़ी फजल भी। तो अब्दुल वहाब इस टाइम ले आया अपना वाइपर, शिकारी साढ़े घर का ना छिपली मारन लगा। तो अज व्लॉग तकरीबन मैं 9 बजे शुरू किया, यदि वजह है कि हूँ ही मैं बना रहे से अपनी फनी वीडियो, तो वह अलहमदुल्ला वीडियो बन गई, एडिट हो गई है। तो वह वीडियो भी तुम जरूर देखनी है, लिंक तो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब्दुल वहाब साहब दसो कि मेहनत की जरा घंटे दो घंटे घंटे दो की तो हुई है, तो बीच में रोटी खाई ना तो ज़्यादा टाइम लग गया। तो तकरीबन 1 तो 1.5 घंटा असी मेहनत की है, तो इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, तो तुम जरूर देखनी साड़ी, असी मेहनत की है तो जरूर देखनी है। अज लाइट चलती पई है ना जिदी वजह तो चिड़िया जड़िया ने शोर कर रही ने, ज़्यादा नहीं हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, शायद वीडियो से आ रही है ना, ऐसे लाइट चल रही है, तो लाइट बंद होती तो देखो नहीं आएगी आवाज आ रही बंद, फिर हल्की हल्की शुरू हो गई बंद, लाइट तो जुड़ी हुई है ना। नहीं अब रात का टाइम है तो अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, सुबह नु जड़ा सी माशाल्लाह साडा बच्चा चिड़िया दा है ना जड़ा, उफ तेरी दी साइकिल लग गई पकड़ना पवा, ते ओ हुनी छोटा सी ते असी ओनु ट्रेन कर लिया सी हत्ता दा, यानी कि हुन साडे तो डरदा नहीं है, ते बाकी ओदे जेड़े घर वाले ने वह सारे साढ़े तो डरते हैं, लेकिन वो आप नहीं डरता, जे असी पिंजरे से भी उंगली रखी है ना तो चक्की मारने की कोशिश करता, डर के उड़ता नहीं है। तो इंशाल्लाह तुहाडी मुलाकात जे तुसी नहीं देखिया तो तुहानू सुबह उहदे नाल इंशाल्लाह कोशिश करांगा कि मिलावांगा। तो दूसरा अज दे व्लॉग यानी कल वाले व्लॉग से मैं किया सी कि असी जाना है कब्रिस्तान जाना है, पर्दा सेट करना है और कचरा उठाना है, 3 काम किए सी, लेकिन तीनों ही काम अज नहीं हो सके क्योंकि सब तो पहले तो अच कार आए हुए मेहमान स्कूल तो आते गए, तो मेहमान नाल हो गया मेहमान नहीं सिर्फ एक मेहमान, हाँ जी तो यार सिंगल पर्सन जो भी मेहमान तो मेहमान ही होता है ना, तो फिर टेंशन यानी कि काम वगैरह तो करने पैने ना। तो उस तो बाद असी गए जी ट्यूशन, ट्यूशन तो आए हैं 6 बजे उतों ही मैं अपनी वीडियो अपलोड की है, तो अज तो मैं अपना टाइम बना लिया वीडियो तो इंशाल्लाह 2 दिन हो गए पूरे 6 बजे इंशाल्लाह व्लॉग है भी, कल 6 बजे आएगा व्लॉग इंशाल्लाह। तो क्या बात कर रहे थे हम हाँ वो जो काम 3 काम करने थे, तो 6 बजे जो छुट्टी हुई सानू तो फिर कब्रिस्तान जाने का टाइम नहीं रहता, तो मैं और अब्दुल वहाब जाना चाहते इंशाल्लाह, कोशिश करांगे कल जल्दी ट्यूशन तो आइए तो जल्दी छुट्टी करके इतवार वाले दिन भी दूर है, तो कोशिश कर लेंगे कल ट्राई कर लेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम। तो बाकी इंशाल्लाह जेड़े जेड़े काम ने इंशाल्लाह कल कोशिश करांगे कंप्लीट करांगे, क्योंकि अजकल ना ट्यूशन तो छुट्टी जरा लेट होती तो काम थोड़े जे ना अगे तो अगे जाई जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करांगे काम जल्दी तो निपटाइए। कमरे की हालत कुछ खराब हुई हुई है, खेस वगैरह यानी इतने लेटे हुए अपना, तो कमरा वगैरह अबू और ध्यान तो पहले पहले सैट कर देने फिर असी अपने कमरे च जाके सोने असी इंशाल्लाह इतने सोवेंगे रात में, ठीक है अब्दुल वहाब? मना किया था अब्दुल वहाब वापस 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 हाँ उसकी यार नींद का टाइम है, ये पापा ने वीडियो देखनी तो बोलना तो है ही आपको, मना किया हुआ इस टाइम नहीं उठाना इसको, कपड़ा इस करके रखे हुआ है ताकि कंफर्ट हो जाए, कर दो अंदर उसके पैर फंस गए, अपने माँ प्यो दे घर रहेगा तो बाकी ये भैन भाई इस घर से, भैन भाई ये इस घर से ने नवे घर से, तो आप अपने माँ बाप नाल उस वाले घर से रहता है। माशाल्लाह आपने तंग कर दिया है भाई जान उसको, ऐ भी आएगा रात में तेरे को बदला लैन, मैं तेन उठा के ना कभी इतने घर तक कभी उत्थे इस तरह ही करना रात में तेरे नाल, हाँ करन तो बाद अब्दुल वहाब इस तरह शरीफ हो जाता ना जिस तरह इन्हें कोई काम किया ही नहीं। जी जी बिल्कुल जी,
बताएं तो सही कौन सा बुलाया है। फालतू लाइट आप बंद कर लें, बिल भी आने ने भाई और बहुत ज्यादा इस वक्त भाई ये बिल आ रहे ने। ट्राई करो, कोशिश करो कि कम तो कम बिजली इस्तेमाल करो। हुन तुसी ना सिर्फ नियत कर लो कि क्या कहते हैं वो बिजली जो उनसे सेव करते हैं, तुसी बिजली बचाने की नियत कर लो, इंशाल्लाह बिल आप ही घट आएगा। बिल तो फिर भी इस बार बहुत ज्यादा आ रहे ने, तुहाडा किन्ना बिल आया कमेंट बॉक्स से जरूर दसना है। तो 9 बजे तकरीबन असी तकरीबन 9:30 बजे असी अपने बिस्तर ते पहुंच जाने हैं। तो हूँ ही टाइम हो रहा जी 9:07, तो हूँ ही हल्की हल्की नींद आ रही है, तुम्हें महसूस भी हो रही होगी। तो इंशाल्लाह बाकी व्लॉग करांगे जी सुबह में कंटिन्यू। तो गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। 2000 years later जी। तो जी वेलकम बैक, सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, उठ के तैयार हो गया हाँ बिल्कुल। उन्हीं तकरीबन 1.5 घंटा है स्कूल जाने से। तो कल रात जिस समय तुम दस रहा सी 3 काम करने ने, सब तो पहले तो यह कचरा जड़ा ना यह वेख लो काफ़ी ज़्यादा कचरा है। यह कचरा पहले तो असी सोच असी गट्टू च पा के बाहर सुट आवेंगे, लेकिन वो थोड़ा जहा मुश्किल है। तो हूँ ही जरा इस तरह करना है कि यह वाली जी मट्टी है ना सिर्फ रेत है, यह उठा के नीचे फेंकनी है और नीचे जी जगह ना वो बराबर करके ना प्लेन हो जाएगी, यानी कि सही हो जाएगा बाहरों भी। तो हूँ ही इन उठाने मट्टी नू और बाहर फेंकने हूँ इन्ना टाइम नहीं कि पर्दा वगैरह सैट करिए, तो यह आ के सैट करेंगे इंशाल्लाह। इसनू खोल के सही तसली वाला काम है, तो यह वाला जल्दी जल्दी कर लेंगे काम। फाइनली अलहमदुल्ला एक काम साढ़ा मुकम्मल हो गया, कचरा जिन्ना भी सी सारा नीचे पहुंच गया। तो मैं तुम्हें दिखा भी दिना, इस सारी नीचे पहले जगह साफ सी, लेकिन उतो जो कचरा कराया ना तो थले भी गंद पै गया, लेकिन कोई नहीं ऐसा ही हो जाएगा जो आके मट्टी। इंशाल्लाह यह काम शाम को करांगे, हूँ तुम कहो कि सारे काम ठहर लेट आते जा रहे हैं, यदि वजह है टाइम शॉर्ट। हूँ ही स्कूल जाना है, तो नीचे जाके देखते हैं और कोई काम है तो करते हैं। तो यह वाले काम इंशाल्लाह आके करांगे, पर्दा और कचरा, तो बाकी इंशाल्लाह जो भी काम होंगे करते रहेंगे। साढ़े नाल बड़े काम ने, साढ़े जिम्मे बड़े काम ने, नहीं तो देखते हैं या तो इनू कर देने हैं या फिर देख लेना टाइम, देखते हैं की है की हिसाब किताब। तो फिलहाल मैं यदि मतलब ना मट्टी थले सीट रहा, आ गई नीचे जड़े बिच शापर शुपर ने इंशाल्लाह आके जलावांगे, फिर उस तो बाद मट्टी शाम नू सही करांगे। तो हूँ ही टाइम थोड़ा स्कूल का, तो स्कूल की तैयारी मुकम्मल कर दें, स्कूल चलते हैं, यह काम इंशाल्लाह आके करांगे जी। तो वेलकम बैक, स्कूल तो आ गया मैं वापस। तो हूँ ही आने चिड़िया का पिंजरा वगैरह साफ किया, दोनों चिड़िया का पानी वगैरह चेंज किया, तो वह तो सुबह अब्दुल वहाब ने भी किया, तो एक बार मैं फिर चेंज किया। तो हूँ मैं अपने कपड़े बदलने ने, खाना खा लिता, फिर उसके बाद जो काम है तो कर दें, फिर चल दें ट्यूशन। 2000 years later तो छाते आने मैं पहले सब तो पहले तो पर्दा जरा ना लटकाया थले की तरफ ताकि धूप फ्रिज से ना पे। तो अज इंशाल्लाह तुहानू दस्सिया है कि अज सही करांगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करांगे कि अज की तारीख से सही कर दिए पर्दा। तो दूसरा वो मट्टी जी सुबह से इतों चक के नीचे फेंकी सी सारी, इंशाल्लाह वो बस नीचे गिर गई है हूँ, वो ठीक हुआ तो कर भी लाँगे, लेकिन देखेंगे तो अज मिले टाइम तो कर देंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही।
अपने औजार लेके मैं जा रहा मैं छाते हो नहीं मैं नहा के ना फिर नहा के कपड़े चेंज किए ने ते लै के आ गया मैं छाते परदा जड़ा सही करते हैं फिर टाइम कोई नहीं होना सारा दिन नहीं टाइम मिलना फिर ते इस करके धुप है लेकिन कोई नहीं नहा के हैं उन्हीं गर्मी महसूस नहीं होगी 10 मिनट वास्ते इंशाल्लाह 20 to 30 मिनट का काम इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी तो करते हैं स्टार्ट परदा पहले खोलते हैं इतने से वो परदा भी उतार दें और इन्होंने सैटिंग करते हैं इन्होंने कंबाइन करके दोबारा उत्ते ला देंगे जी ते एप्पल सब तो पहले दरम्यान वाली जी तार है ना यदा किल लाना है यह किल उखड़ के दूसरी तरफ तार यानी कि खींच ली से सी यानी किल उखड़ गए से जिस दिन अंधेरी आई है तकरीबन हर तरफ यही सिचुएशन है परदा धुप से लगा तद करके ना जरा खराब जहा हो गया ते ओदी वजह तो फिर किल भी ना या तो परदा फट जाता या फिर किल उखड़ जाते हैं किल लग गया सिर्फ तो दूसरी तरफ अपने घर इतों ना एक बैल्ट मिली है साड़ी बैल्ट नहीं है यह नाल वाले की होगी तो इतने रख दें इतों करनी तार नू टाइट करनी तार नू तो हुण पर्दियां दी सेटिंग कर लैने इतने बिछा दिता है तो हूँ मैं मेंटेनेंस कर रहा है यह वाली दोनों साइडा ठीक ने तकरीबन क्योंकि इन्हों किल नहीं लगे रस्सियां बनी हुई ने इस करके ए नहीं है नहीं ठीक है लेकिन वो वाली दो साइडा उस तरफ दिया ने उस तरफ दिया तो उस तरफ किल लगे हुए सन और फिर हवा की वजह तो जो हवा खिंचती है जो भी होंगे तो ए यानी फट जाता है तो हूँ इन दोनों साइडा का कोई हल कटते हैं और फिर इन दोबारा किलों इंशाल्लाह लावांगे क्योंकि वो सिर्फ रस्सी तार जी ना वो साढ़े को नहीं है तो इंशाल्लाह इस तरह ही काम साडा बन जाएगा यह वाली रस्सी है ये काम बन जाएगा साढ़ा इंशाल्लाह तो अभी पर्दे को इस तरफ ऊपर करने के लिए ये टेक्निक लगाई है रस्सी वाली और ये कुछ हद तक काम कर गई है ओए भैया रुको 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 आजो 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 और फाइनली ये इधर तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह किनारे तक इस रस्सी की मदद से तभी से सही करते हैं एडजस्ट करते हैं और ये जो फटा हुआ ना पर्दा जिस दिन टूटा ना सॉरी जिस दिन यह टूटा ना अंधेरी की वजह तो परदा तो उस दिन यह परदा फट भी गया इस तो पहले फटिया हुआ नहीं सी परदा तो हूँ यहाँ कोई हल है नहीं मेरे को नहीं तो यह कोई हल काट देंगे हमने कपड़ा जड़ा ना वैसे ही खत्म होया पे तकरीबन तो देखा इंशाल्लाह थोड़े दिन तक चेंज करा इनू भी तो हूँ यह हल कोई नहीं है जो फट गया ना तो देखते हैं या कोई हो जाए हल ये उत्ते मैं कोई कपड़ा रखता तो उन्हें मैं आप नहीं पता तो पहले सैट कर लिया पूरे अद्धे घंटे बाद साडा परदा लग गया सिर्फ एन ना फॉल्ट हों परदा साडा बिल्कुल सही सी अपना काम तो हो गया उन्हें चकते अपने औजार और चलते हैं नीचे हथौड़ी साड़ी उस तरफ पड़ी है पई वो भी चक लेंगे आ जा चलिए यार कपड़े की गर्मी है माशाल्लाह परदा लग गया साडा रात दे तुसी यही सुन रहे थे रात मैं बार बार कह रहा सी परदा 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 और अलहमदुल्ला गंद भी चक लिया परदा भी सही कर लेता हूँ जड़ा ना काम रह गया सिर्फ एक ही है तो वो आज पॉसिबल शायद नहीं है क्योंकि टाइम थोड़ा ट्यूशन जाना है उसके बाद वीडियो एडिटिंग करनी है तो टाइम थोड़ा है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्या कह रहे हैं तो जी आज का व्लॉग करने थे ख़त्म
अज गर्मी बहुत है पाकिस्तान सरगोदा च, ते लाइट भी बंद है, ते जनरेटर की आवाज़ आ रही है शायद तुहानू। ते अज दा व्लॉग करने थे खत्म। जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो नू लाइक और चैनल नू सबसक्राइब कर देना, इस करके क्योंकि मैं पहली बारी अपनी जिंदगी जिद्द की ब्लॉगिंग शुरू की एक महीने तो पहली दफ़ा जिहड़ा ब्लॉग से काम किया ना वह पूरे तरीके नाल पूरा कर दिता इंशाल्लाह। गालियां वाला काम नहीं मैं किया इस बारी, तो खैर गालियां अगे भी नहीं पैनी तो छोटी मोटी तो होंगी रहती है, लेकिन खैर है। तो बस सानू दुआओं याद रखो, तो अल्लाह पाक सब ते अपना रहम फरमाए फजल फरमाए जी। अब्दुल असीफ रशीद इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नैक्सट ब्लॉग तक मैंने जान दी जल्दी, पता क्यों? क्योंकि ट्यूशन जाना है, इस करके सिर्फ जल्दी है और वजह कोई नहीं दूसरी, और टाइम हम थोड़ा होंगे ना इस करके। तो खैर नीचे चलते हैं और ट्यूशन जाने हैं, तो रेस्ट करो।